नमस्कार, चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश के भोपाल की। तो भोपाल से 17 किलोमीटर दूर बैरसिया रोड पर बसा रतुआ गांव, रोड से सटी पटाखों की बड़ी दुकान और इससे ठीक पीछे फैक्ट्री, 150 मीटर दूर पावर हाउस और हाई टेंशन लाइन के नीचे ही बारूद का ढेर। हरदा हादसे के बाद अफसरों ने दुकान फैक्ट्री को बंद करा दिया है और इसी पटाखा फैक्ट्री में जाकर देखा, एक दिन पहले तक इस फैक्ट्री में पटाखे बनाए जा रहे थे, लेकिन हरदा में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट के बाद हुई आगजनी के बाद कारखानों में आतिशबाजी बनाना बंद कर दिया गया है। बता दें, बुधवार को अफसर भी यहां पहुंचे तो उन्हें फैक्ट्री बंद मिली, लेकिन अंदर भारी मात्रा में बारूद, पटाखे और कच्चा माल रखा था। यहां पर एक छोटी सी चिंगारी बड़े हादसे को अंजाम दे सकती थी। कागजों में पूरी फैक्ट्री वैध नजर आई, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां कर रही थी। बता दें, नियम कहता है कि दुकान या फिर फैक्ट्री में बिजली लाइन ना हो, फैक्ट्री के चारों ओर तार फेंसिंग ना हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया। जिस जगह फटाके बेचे या फिर बनाए जाते हैं, उसे मुश्किल से 20 से 30 फीट की ऊंचाई से ही हाई टेंशन लाइन गुजर रही है और बाउंड्री वॉल या फिर तार फेंसिंग जैसा कुछ नजर नहीं आया। हालांकि इस फैक्ट्री के संचालक की अनुमति प्रशासन ने ही दी थी। बता दें, ऐसे में अफसर भी कटघरे में है। इधर जिला प्रशासन ने जिन फैक्ट्री और दुकानों को सील किया है, वे पेट्रोल पंप, मुख्य सड़क और रहवासी इलाके में पाई गई है। फैक्ट्री के संचालक मुरलीधर मनवानी कहते हैं कि 3 पीढ़ियों से फैक्ट्री का संचालन कर रहे हैं, 30 से 35 साल से यहां पर मैं हूं और सभी परमिशन, लाइसेंस और NOC यहां पर ली हुई है। सरकार ने दुकान बंद करने को कहा है, सरकार कहेगी तो चालू करेंगे। वहीं SDM विनोद सोनकिया ने ये बताया है कि दुकान और फैक्ट्री को बंद कराया गया है और स्टॉक समेत अन्य बिंदुओं पर जाँच कर रहे हैं। संचालक मनवानी की रतुआ में ही एक और फटाका फैक्ट्री है, यहाँ भी प्रशासन की टीम पहुंच गई। इधर जब दुकान के ठीक पीछे फैक्ट्री में पहुंचे तो हालत कुछ और ही मिले। अलग अलग 4 हिस्सों में से एक में फटाके रखे थे, जबकि दूसरे में पटाखा बनाने की मशीन और पैकिंग का सामान था। 2 हिस्सों में ताले लगे हुए थे। चौकीदार विशन सिंह ने बताया कि मंगलवार सुबह 10 बजे काम बंद कर दिया गया था।